पक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को कहा कि श्री मद भागवत कथा का श्रवण कर उसे अपने जीवन के आचार व्यवहार में लाना चाहिए, तभी हम भगवान के सच्चे भक्त कहलाएंगे। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, मदान कार्ड से गौरव मदान, उद्योगपति राजेंद्र शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरे कांछा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्डा, पंडित मायाराम, राजेंद्र शर्मा, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कौचर, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश जयराजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूप वाले, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशन लाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ये जो धर्म काम होते हैं इन्हीं से हमारा समाज चलता है। धर्म की उत्पत्ति अधर्म को नाश करने के लिए हुई। जब ऐसे महान संत हमारा उद्धार करने के लिए इस धरा पर आते हैं तो प्रभु की बड़ी अपार कृपा होती है। तभी ऐसे महान संत हमारे समाज में आज जलंधर आने पर और सारी समय को अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह ही हमारे जलंधर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि ये जो जलंधर के लोग हैं बहुत ही धार्मिक प्रकृति के लोग और बहुत भोले लोग हैं। ये सबको अपना मानते हैं। जैसे आपने कहा है महाराज कि सारे धर्मों का सत्कार करना चाहिए, ये लोग सभी धर्मों का सत्कार करने वाले लोग हैं, ये किसी को बुरा भला नहीं करते, सबको अपना बना करते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सब अपने कहता हूं तो अपने पर जैसे